अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले जो हम सात सवाल का वीडियो लेकर आए थे उसमें अभी तक कमेंट सेलेक्ट नहीं किया गया है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में कमेंट सेलेक्ट करके और जिसका कमेंट सेलेक्ट किया जाएगा उसको हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो चलिए आज फिर से कुछ नए दीनी सवाल के साथ और उसके प्यारे जवाब के साथ हम हजरत से मुखातिब होते हैं और अपनी वीडियो आगे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, हम फिर से हाजिर हुए हैं अपने प्यारे ऑडियंस के लिए आपसे कुछ इस्लामिक सवाल लेकर। तो चलिए हम आपसे अपने सवाल पूछते हैं। जी इजाजत है। तो हजरत, आपका पहला सवाल है, खलीलुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका दूसरा सवाल है, कुरान में कितनी सब्जियों का जिक्र किया गया है? कुरान मजीद में 4 सब्जियों का जिक्र किया गया है। और आपका तीसरा सवाल है, आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया? बैर। चौथा सवाल, नबी करीम को कौन सी जगह सबसे नापसंद थी? बाजार। आपका पांचवा सवाल, ईसाइयों की इबादतगाह को क्या कहा जाता है? चर्च। आपका छठवां सवाल, दज्जाल किस चीज का बना होगा? मिट्टी का। आपका सातवां सवाल, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7। और ये आपका आठवां सवाल, जुमे की नमाज में कितनी रकातें फर्ज हैं? 2 रकातें। इनमें से कौन से नबी सारंगी बजाते थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। किसने 15 सालों तक हर रात एक कुरान मुकम्मल किया? हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आपका अगला सवाल है, हजरत बिलाल के मुल्क हफ्सा का आधुनिक नाम क्या है? यूथोपिया। और आपका अगला सवाल ये है, नबी करीम को कौन सी चीज खाने में बहुत पसंद थी? कद्दू। आपका अगला सवाल है, किस नबी की उम्मत पर पानी का अजाब आया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और आपका अगला सवाल ये है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कितनी जिंदगी गुजर की? 63 साल। आपका अगला सवाल है, किस जानवर को मारने का हुक्म दिया जाता है? बिच्छू। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम बताइए। दोस्तों, ये सवाल आप सभी के लिए है और आप सभी इसका उत्तर, इसका जवाब अपना कमेंट करें और जिसके कमेंट पर 0 लाइक्स आएंगे उसको हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। और दीनी सवालात और जवाबात के लिए हमारे चैनल मोहम्मद तालिब कुरैशी को सब्सक्राइब करें। और हजरत, आपका अगला सवाल है, हश्र का मैदान कहाँ पर कायम होगा? मुल्के शाम। दोस्तों, हमारे और भी दीनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हमारा सवाल यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे और नए नए इस्लामिक दीनी सवाल के साथ और आपको उसके प्यारे जवाब भी मिलेंगे। तो ठीक है, आपसे लेते हैं विदा, पर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि कमेंट सेलेक्ट होने पर आपको हमारी तरफ से तोहफा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।